वहीं इंदौर से ही बड़ी खबर आ रही है, जहां आईएमएस होटल हादसा में होटल संचालक पर इंदौर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें, एमएस होटल का मालिक शंकर परवानी अब तक फरार चल रहा है। तो डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने ये इनाम की घोषणा की है। होटल संचालक पर इंदौर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें, इस हादसे में कई लोग घायल हो गए थे और उसके बाद ये होटल संचालक फरार हो गया है। हालांकि डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने 10,000 की इनाम घोषणा की है। तो एमएस होटल हादसे ये मामला है जहां 10 लोगों की मौत हो गई थी। होटल संचालक पर इंदौर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है, जो फरार चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भारत, एमएस होटल हादसे में होटल संचालक फरार चल रहा है, इनाम भी घोषित कर दिया गया है, क्या कुछ साझा जानकारी? बिल्कुल करिश्मा, बता दें कि गैर इजाजत हत्या के प्रयास के मामले में होटल संचालक शंकर परवाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है दबिश दी जा रही थी। कई टीमों ने उसके परिजन और आसपास के रिश्तेदार से वहां पर दबिश दी थी, लेकिन वो फरार कर रहा है। जिसके बाद रिपोर्ट किया है कि हरिनारायण चारी मिश्र ने फरार आरोपी के खिलाफ तकरीबन 10,000 का जो इनाम है वो घोषित किया गया है, और साथ ही साथ दो टीमें गठित की गई है जिन्हें देवास और आसपास के जिलों में भेजा गया है, और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो भी इसकी सूचना देगा उसे 10,000 का इनाम जो है वो डीआईजी ने घोषित किया है।